नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कितना गुड़ है जो यूएई से लेके आ सकते हैं इंडिया को। तो दोस्तों, मेरी अभी अभी फ्लाइट थी जो अबू धाबी से अमृतसर की, और मेरी स्टे थी गोवा में। तो मैं अभी गोल्ड लेके आया हूँ। मैं कितना टैक्स पे किया है अपने गोल्ड पे, तो पूरी डिटेल है मैं आपको अब इस वीडियो में दूंगा। तो आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें आपका मैं उन लोगों ने बताया कि आप इतना गोल्ड पहन के आ सकते हैं और इतना हाथ में लेके आ सकते हैं, और जहाँ फिर 1 kg गोल्ड लेके आ सकते हैं उस पर इतना टैक्स देना पड़ेगा। पूरी डिटेल है, मैं आपको जो भी कन्फ्यूज़न है के मन में वो मैं इस वीडियो में दूर कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट साइट, आप जो 20 ग्राम अगर आप आदमी है, मैन है, तो आप 20 ग्राम गोल्ड है जो लेके आ सकते हैं। आपने 10 ग्राम पहना हुआ, 10 ग्राम हाथ में हो, तो टोटल 20 जो काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप 20 हाथ में लेके आ गए और 10 ग्राम पहना हुआ है तो वो दोस्तों 30 ग्राम हो गया। मैं आपको जो कन्फ्यूजन दूर कर दूं, तो लोग क्या करते हैं वीडियोज में बताते हैं कि आपने हाथ में हो उसको काउंट होता है, जो पहना हुआ उसका काउंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि गोल्ड जितना भी आपके पास है, अगर आपने पहना हुआ हो, हाथ में हो, उन सब का जो वेट है जो काउंट हुआ, तो नंबर सेकंड में आ जाता है जो लेडीज है। लेडीज दोस्तों 40 ग्राम तक गोल्ड है जो टैक्स फ्री लेके आ सकती हैं, और मैन है जो 20 ग्राम तक लेके आ सकता है। ये तो हो गया लीगली तरीके से। और मैं कितना लेके आया हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा, मैंने कितना उसमें टैक्स पे किया वो भी आपको बता दूंगा। सेकंड नंबर पे आ जाता है दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि 1 kg गोल्ड आप लेके आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने 1 kg गोल्ड लेके आना है तो उसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप वो वीडियो देख के आप 1 kg गोल्ड भी लेके आ सकते हैं। और अपनी एक्सपीरियंस की बात करने जा रहा हूँ अभी, तो मैं गोल्ड लेके आया था, मेरे पास कितना गोल्ड था वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, मेरे पास 2 chains थी गोल्ड की, और तो दोस्तों एक सेट में इयररिंग्स का लेके आया था अपने के लिए, तो ताकि उन सब का वेट हो जाता है कुछ 30 से 32 ग्राम उसका वेट है जो हो जाता था। तो दोस्तों, 2 chain मैंने जो अपने गले में पहन रखी थी, और जो इयररिंग्स थे वो मेरे हाथ में कैरी करके लेके जा रहा था। मेरी जब कस्टम चेक हुई तो मैंने जो चेन पहनी हुई थी, तो उसका मैंने जो कॉलर है अपने शर्ट का लगाया हुआ था, और इयररिंग्स थे जो मेरे हाथ में थे। तो ऐसे मैं लेके आया, जब मैंने उन लोगों को इयररिंग्स दिखा दिए, जो मेरे जो चेन्स थी वो मेरी शर्ट के नीचे थी, तो उन्होंने वो चेक नहीं की, और मैं जो कस्टम है मैंने ऐसे क्लियर कर ली, और मुझे 0 tax पे करना पड़ा। तो ये दोस्तों मैं आपको सजेशन नहीं करूंगा, आप बोलेंगे आपकी वीडियो देख के मैं भी ऐसे करने जा रहा था और मुझे पकड़ लिया गया, ऐसा मुझे टैक्स पे करना पड़ा, आपने जो नॉलेज है इंफॉर्मेशन गलत दी। तो दोस्तों, मैं ये सजेशन नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लक पे डिपेंड करता है। अगर आपका लक अच्छा है तो आप लेके आ सकते हैं, अगर चेकिंग होगी तो आपको जो है काउंट करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने पूछ लिया, वैसे तो नहीं पूछते यूजुअली तरीके से, तो सब लोग ऐसे ही लेके आते हैं। कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छे अच्छे जो हाथ में कड़ा है पहना हुआ था गोल्ड का, और बड़ी बड़ी चेन्स भी पहनी हुई थी, नहीं चेक हुई। बट जब लक खराब हो तो वो चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी इस वीडियो में बता दिया कि मैं ऐसे लेके आया था, तो आप भी बोलेंगे यार ऐसे तो चला जाता है, आप भी ट्राई करेंगे और आपका जो टैक्स देना पड़ा फिर आप मुझे गाली देंगे कि मैं आपने भाई साहब ऐसे बताया था, तो मैं भी लेके आ रहा था और मुझे जो है पकड़ लिया और मेरा जो टैक्स है मुझे पे करना पड़ा। तो मैं ये सजेशन नहीं करता, क्योंकि वो जो लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर भी आपने गोल्ड लेके आना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके आना है, आप पहन के आ सकते हैं, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आप निकल भी सकते हैं। तो मेरे साथ जो हुआ, मैंने तो दोनों चैने पहनी हुई थी और इयररिंग्स थे जो मेरे हाथ में थे, तो मेरा जो गोल्ड का वेट था 32 ग्राम था। तो ऐसे में अपना गोल्ड है जीरो टैक्स पे करके लेके आ गया। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, मैंने सोचा एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मैं भी जब गोल्ड लेके आने की सोच रहा था तो मैंने बहुत सारी वीडियोस चेक की, और उसमें यही बताया था कि आप इतना लेके आ सकते, इतना लेके जा सकते। तो जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी वीडियोज लेके आऊंगा। गोवा में क्या एक्सपीरियंस था, गोवा में आप कहाँ से खाना खा सकते हैं अच्छा खाना, और भी बहुत सारी वीडियोज मैंने बना रखी है ऑलरेडी कि आप कितना, मैं एक वीडियो में और डालूंगा कि इंडिगो में कितने बैगेज आ सकते हैं और कैसे मैंने एक और बैग बुक किया, उसके बारे में जल्दी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद दोस्तों।